नियमित कब करोगे? हमको नियमित कब करोगे? हमको नियमित कब करोगे? अधिक विद्वानों का एक ही नारा है, अधिक विद्वानों का एक ही नारा है, अधिक विद्वानों का एक ही नारा है। वचन पत्र पूरा करो, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आके वचन निभाओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, कमलनाथ जी होश में आओ, होश में आके वचन निभाओ। नमस्ते, मैं आदित्य हूँ और आप द लोक नीति देख रहे हैं। थोड़ा गला खराब है लेकिन मेरे तबीयत से ज़्यादा ज़रूरी था कि इन लोगों की सुध ली जाए। अतीत विद्वान सीरीज का आप ये पार्ट 5 देख रहे हैं और ये इसलिए ज़रूरी है, ये पढ़ाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस बीच शासन की तरफ से भी एक दो कॉन्फ्रेंस किए गए और क्या कुछ निकल के सामने आया, अभी तक क्या डेवलपमेंट है वो आप तक पहुँचे। करीब अभी कुछ दिन पहले उच्च शिक्षा मंत्री ने एक कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया करीब 1300 से 1400 शिक्षकों को वो नियमित करेंगे, अतिथि विद्वानों को नियमित करेंगे, लेकिन इनकी संख्या 5000 के समथिंग। और जब ऑफलाइन ये लोग मेरे से बता रहे थे कि जब ये लोग उनसे मुलाकात करने गए तो उन्होंने कहा मुझे चौटाला, हरियाणा वाले चौटाला, उनकी तरह जेल नहीं जाना है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी ने सिस्टम पर इतना अपने आप को हावी कर लिया है कि नेता को ब्यूरोक्रेसी डाइवर्ट कर रही है। ब्यूरोक्रेसी ऐसे नेताओं को जिनको दरअसल कुछ पता नहीं है उनको यह समझा रही है कि अब अगर आप इनको नियमित कर दोगे तो आप जेल चले जाओगे। तो क्या उस सरकार की तरह इस सरकार में भी ब्यूरोक्रेसी हावी है? कई सारे ऐसे मंत्रालय हैं जिसके अभी तक सचिव नहीं बदले गए हैं, वही सचिव हैं जो पिछली सरकार में थे। ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये कंसर्न सत्ता का है, शासन का है कि वो अपने सचिव बदलना चाहती है या नहीं, उसमें हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन प्रश्न ये है कि वही सचिव जिनके मौजूदगी में उस सरकार में MPPSC के जरिए कुछ प्रोफेसर्स को नियमित रखा गया, भर्तियां की गई, जिसको उन्हीं सचिव के देखरेख में किया गया और जिसको बाद में उस वक्त की विपक्ष और अभी की मौजूदा वक्त की सत्ता पक्ष ने व्यापम 2 का नाम दिया, उन्हीं सचिवों के साथ वो आगे क्यों बढ़ रही है और उन्हीं सचिवों से वो डाइवर्ट क्यों हो रही है? मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं और ये करीब 29वां दिन है, महीने भर से लोग यहाँ पर हैं। ठंडी तो दिसंबर तो बीत गई, जनवरी चल रही है, जनवरी भी शायद 10-15 दिन बाद ठंड खत्म हो जाएगी, तो पूरी की पूरी ठंडी ये लोग यहाँ पर झेल लिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सरस्वती पांडे। डॉक्टर सरस्वती पांडे जी सर, एक महीने से लगातार यहाँ? जी सर, जी सर। सत्ता ने क्या कहा आपसे? सत्ता तरफ से भी कोई मैसेज नहीं आया है, बस आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। आश्वासन लेकर थोड़ी जी पाएंगे सर। और लोग भी यहाँ पर हैं, आगे से आ जाइए, थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर। अब बताइए, थोड़ा सा नाम बताइए और अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर JPS चौहान उमरिया से हूँ। हम लोग यहाँ 29 दिन से बैठे हुए हैं, इसके पहले 10 दिन हम लोगों ने पदयात्रा भी की छिंदवाड़ा से और भोपाल के लिए। दुर्भाग्य यह है कि ये वही सरकार है जिसको बनाने में हम लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बढ़ के हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और ये सिर्फ एक उम्मीद थी कि कांग्रेस सरकार आएगी तो हम लोगों का नियमितीकरण होगा। उसने नियमितीकरण का वचन दिया है और उसने अपने वचन पत्र को गीता और कुरान बताया है, तो एटलीस्ट वो धर्मग्रंथों का सम्मान करेगी। इसीलिए उन्हीं धर्मग्रंथों को गाते हुए हम लोग गीता और कुरान का पाठ करते हुए यहाँ पर 30 दिन से टिके हुए हैं। हमारी महिला साथी की एक जान भी चली गई, वो यहाँ पे थी, कई दिन से परेशान थी, डिप्रेशन में थी, बीमार हो गई, घर गई, उनको अटैक आया, उनकी मौत हो गई। क्या नाम था उनका? उनका समी खरे। और एक दूसरे साथी कड़ा जी हैं, उनके पिताजी जब बेटा यहाँ से आंदोलन से गया, रो रहा था कि मैं पापा बर्बाद हो गया, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या नौकरी करूँगा, और रोते हुए बच्चे को देखकर उसके फादर को हार्ट अटैक आया और वो खत्म हो गए। तो सरकार अभी कितनी जाने लेना चाहती है अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण के पहले वो बता दे, उतना फिगर हम लोग दे दें, लेकिन जो लोग जिंदा बच जाएं उनको तो कम से कम नौकरी दे दे। यहाँ पे महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेके कितने दिन से, जब मुख्यमंत्री जी एक भी दिन ठंड में ना निकले होंगे रजाई के बाहर, तब यहाँ पे महिलाएं और 6-6 महीने के साल भर के बच्चे यहाँ पर ठिठुर रहे हैं। तो आखिर वो नियमितीकरण का उनका वचन कब पूरा होगा? क्यों वो नियमितीकरण के विषय में नहीं सोच रहे हैं? बार बार वो कहते हैं कि कोई बाहर नहीं होगा, जबकि बाहर भी हो चुके हैं 2700 लोग। और ना केवल बाहर होना या ना होना ये हमारा मुद्दा नहीं है, उन्होंने अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण का वचन दिया था, उनको अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण करना चाहिए। और कोई हम लोग अनोखी बात नहीं मान रहे हैं, कई सारे राज्यों में इस तरह का नियमितीकरण हुआ है, हम लोग उसके बेस पे मांग। इस राज्य में भी हुआ है 2003, 2005, 2007, 2012, है ना? क्या नाम है आपका? इधर से आओ ना।
मेरा नाम डॉक्टर अजरा खान है, मैं बोटनी सब्जेक्ट से होंगी, मैं भी फॉल इन आउट हो चुकी होंगी और सरकार जब तक हमें रेगुलर होने का आदेश वेबसाइट पे नहीं डालेगी जब तक हम नहीं हटेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। नहीं, कहा जा रहा है कि पिछले दिसंबर से भी सैलरी आप लोगों को नहीं मिली। 8 महीने से नहीं मिली है हमें। अच्छा, दिवाली लोगों को पिछले दिसंबर से 8 महीने से नहीं मिली है। अच्छा। हम इस तरह से ऐसे ही बेरोजगार होके बैठे हुए हैंगे ना। सैलरी कैसे एडजस्ट करते हैं आप लोग? फैमिली वाले कर रहे हैं, कुछ उधार लेके कर रहे हैं, चला रहे हैं, अब क्या करो। सरकार को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा है इतने सालों से। हम फैमिली में कौन कौन आपके? मेरे हस्बैंड है, पूरे मतलब सास ससुर सभी हैंगे। वो बच्चे का एडमिशन मैंने सिरोंज कॉलेज से हूँ, मैंने वहाँ पे करवाया कि बच्चे का देख रेख कर सकूँ, क्योंकि हमें 7 घंटे कॉलेज में रुकने का आदेश हैगा, तो अप डाउन करने में 3 घंटे जाने के लगते हैं, 3 घंटे आने के लगते हैं, इसलिए एडमिशन कराया। अब फॉलन आउट कर चुके हैंगे, अब बच्चे का एडमिशन वहाँ पर है और हम यहाँ धरना दे रहे हैं। बच्चे बाहर हो चुका हैगा, उसके भी एग्ज़ाम होंगे अभी, तो उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे भी वो हो रहेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आशीष पांडे। आशीष जी, अभी आप लोग 1 महीने से धरना कर रहे हैं, सरकार को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों से? ये बड़ा मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बड़े बड़े नारे देते हैं, आजकल मध्य प्रदेश की बेटियां, आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडियम देखे होंगे, 1 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है। हमारी एक्स्ट्रा कोई मांग नहीं है, जो कि आदरणीय कमलनाथ जी चुनाव से पहले पीसीसी चीफ रहते हुए आदरणीय राहुल गांधी ने कहा था कि जैसे हमारी सत्ता आएगी, जैसे आप लोग हमारा वनवास खत्म करेंगे तो हम आपका वनवास खत्म करेंगे। अतिथि विद्वानों ने कमलनाथ जी का वनवास तो खत्म कर दिया 14 वर्ष का, लेकिन जो हमारा वनवास था 25 सालों का वनवास, अभी तक आदरणीय कमलनाथ जी, राहुल गांधी, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह खत्म नहीं किए हैं। हमारा एक ही अनुरोध है कि वो हमको चाहे जहर दें चाहे अमृत दें, वो हमारे पंडाल में आए, हम अगर नियमितीकरण का आदेश निकालें, जब तक आदेश नहीं करते तो हम यहाँ मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन साजानी पाव छोड़ने वाले नहीं है। हम वही मांग कर रहे हैं जो उन्होंने हमको देने का वचन दिया था, वो अपने वचन में अडिग रहें और हम अपना वादा निभा चुके हैं। तो नहीं फर्क पड़ रहा ना, आप क्या करेंगे, आप क्या विकल्प? नहीं, उनको फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है, फर्क पड़ेगा और फर्क नहीं पड़े, उम्मीद है। हाँ, हमको पूरी उम्मीद है कि अभी हमारी बात आदरणीय कमलनाथ जी के पास नहीं जा रही है, जब तक हमारी सांस है, जब तक हमारी सांस चलेगी तब तक हमको पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बात सुने। मुख्यमंत्री तक आपकी बात नहीं पहुंच पा रही? हाँ, मुख्यमंत्री तक हमारी बात। कारण? आप कारण अधिकारी हैं और आदरणीय जीतू पटवारी जी हैं, जीतू पटवारी जी और अधिकारी ये बीच में अड़ंगा लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को, और हम लोगों को मुख्यमंत्री को ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लगातार हम मुख्यमंत्री जी को ट्वीट कर रहे हैं। पहुंच रही बात, अब उनको पता नहीं क्या उनके दिमाग में है, या भी पहुंच रहे तो हो सकता है कि करने का मन ना हो, उनका इरादा ना हो। अगर वो वचन के पक्के हैं, अगर जैसा आप पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा आपका सवाल है, अगर वो वचन के पक्के हैं तो हमारा नियमितीकरण करेंगे, अगर वचन के पक्के नहीं है तो हमारा नियमितीकरण नहीं करेंगे। और लोग भी हैं यहाँ पर, कुछ महिलाएं बड़ी संख्या में हैं जो रात दिन यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, अपना बच्चा वच्चा सब कुछ छोड़ करके, और कैसे मैनेज कर रही मैडम? सर, मैनेज किया, बस पंडाल में रह रहे हैं, एक टाइम का गांधी आले के द्वारा भोजन दिया जाता है वो खाते हैं। कमलनाथ जी, कांग्रेस सरकार तो अपने वचन से बदल गई है, चुनाव से पूर्व हमें वचन दिया गया था कि हमको नियमितीकरण करेंगे, नियमितीकरण तो नहीं देते हैं, नियमितीकरण तो क्या करेंगे? जब तक सर चलेगा हमारा उग्र आंदोलन होगा, मारेंगे मिटेंगे मारेंगे, यहीं पे कुछ भी करेंगे सर, पर यहां से बाहर नहीं जाएंगे, जब तक कि नियमितीकरण नहीं होगा तब तक इस पंडाल को नहीं छोड़ेंगे हम। कल पुलिस लगा देंगे तो क्या करेंगे? डंडे खाएंगे सर, पुलिस क्या करेगी, जेल ले जाएगी, वहाँ पे बंद करेगी, मारेगी, वो भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, बट यहाँ से उठेंगे नहीं। ठीक है, और लोग हैं, क्या नाम है आपका? सर आसाराम यादव। बोलिए बोलिए मत बोलिए। जी जी सर, अब इंकलाब नहीं अंजाम में शांत होगा, आग उसमें ही सही, कफन में विद्वान होगा। जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं जो जा चुके, बीजेपी के लिए कहना चाहता हूँ, जिम्मेदार वो नहीं जो सिर्फ जो जा चुकी, अगर खून मेरा, अगर रक्त मेरा तो दामन में तेरे भी दाग होगा। है सब संज्ञान में तेरे, मगर क्यों अनजान है तू, क्या विद्वानों के सर मड़रा रहा काल है अब। इसलिए कमलनाथ जी से, कांग्रेस सरकार से हम लोग बार बार निवेदन करते हैं कि आपने जो वचन दिया है उसी समय रहते पूर्ण कर दें, कहीं यहाँ जो है लाशों का सैलाब ना आ जाए, क्योंकि बार बार हमारे विद्वान साथी इस ठंड में पड़े पड़े यहाँ पर कोई हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है, कई माताएं बहन हमारे यहाँ पर, एक बहन का गर्भपात हो गया था, इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। इसलिए समय रहते जल्द से जल्द संज्ञान लें, हम लोगों की मांग जो आपने वचन पत्र में कहा था उसे शीघ्र पूर्ण करें, हमें नियमितीकरण दें और भविष्य हमारा सुरक्षित करें। चलिए ठीक है, क्या नाम है मैडम आपका? उधर से आ जाओ जरा, क्या नाम है? अलका सिंह, मैं सतना अमर पाटन कॉलेज से हूँ। अच्छा, तो कब से हैं आप?
यहाँ पिछले एक महीने से हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और सरकार किसी तरह से भी हमारी कोई सुध लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हो रही। कह रहे हैं कि आप लोग क्वालिफाइड नहीं हैं। क्वालिफिकेशन की क्या एलिजिबिलिटी की क्या टेक वो होती है, एक पैरामीटर होता है, वो सरकार हमें बताए। जब उन्होंने हमारी भर्ती की थी, ये पूरे ऑल एमपी लेवल पे हमारा सिलेक्शन होता है, मेरिट बेस पे हमारा सिलेक्शन किया जाता है। उनकी नीति के अकॉर्डिंग अगर आप इस सेवा में हैं तो आप कहीं अन्यत्र किसी तरह की कोई पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई एजुकेशन नहीं ले सकते, तो हम अपनी डिग्री को कहाँ से पूरी करें। हम अपनी योग्यता से ऐसे स्टूडेंट खड़े करके देते हैं जो हमारे देश की एक्टिविटीज़ में सहभागिता दिखाते हुए हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। हम अपनी योग्यता को कैसे पूरा करें, योग्यता को पूरा करने के लिए हमें समय चाहिए। साबित तो हम नागरिकता भी करनी है, योग्यता तो छोड़ दीजिए। योग्यता के साथ साथ नागरिकता हर चीज़ साबित करने के लिए तो तैयारी है, लेकिन सरकार कहती है कि हम योग्य नहीं। अगर हम योग्य नहीं है तो हम योग्य बच्चे जो उनको प्रोवाइड करा रहे वो कहाँ से। हमारी योग्यता का जो पैरामीटर है वो तो स्टूडेंट से है। इस अतिथि विद्वान व्यवस्था के समय ही हमारे भारत देश को शिक्षित पूरी तरीके से विकासशील होने की जो उपाधि मिली है वो किसके द्वारा, इन्हीं शिक्षकों के द्वारा। आप वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैरामीटर नहीं, पीएचडी नेट सेलेक्ट होने के बाद जो लोग एमपी ले पीजिए उनके लिए आप टाइम दीजिए ना, आप उनको उस व्यवस्था में रहने के लिए रेगुलेशन के लिए टाइम दीजिए, जैसा इससे पहले आप कर चुके हैं कि जिनके पास डिग्री नहीं है वो 3 साल 4 साल उस डिग्री को पूरा करें तब उनको मिला, और जो लोग हैं जो योग्यता रखते हैं उनको अभी दीजिए। ये कोई मतभेद का विषय नहीं है, ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम आपस में बट जाए, लेकिन हम अतिथि विद्वान हैं, हमारी एक ही आइडेंटिटी है और हमको रेगुलेशन चाहिए। हमको इस एजुकेशन के पैरामीटर में बांटने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी योग्य हैं इसीलिए इस व्यवस्था में बने हुए हैं। और ये ऑनलाइन व्यवस्था है, किसी प्राचार्य ने हमको अपॉइंट नहीं किया है, इसी सरकार ने हमको अपॉइंट किया है और इसी से हम डिमांड कर रहे हैं। ये हमारी जायज़ मांग है, नाजायज़ नहीं, और पूरी तरीके से हम लड़ रहे हैं। किसी आश्वासन के बल पर हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हमको लिखित में आदेश चाहिए कि हमको उसी व्यवस्था में रखा जाएगा, हमको समय दिया जाए। जो व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है, जो क्वालिफाइड हैं उनको दिया जाए, लेकिन हम नियमितीकरण लेके चले। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहरलाल चौधरी है। आप भी एक महीने से? जी बिल्कुल सर। नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि क्वालिफाइड नहीं है। क्वालिफाइड अगर नहीं होते तो फिर हमको भर्ती क्यों किया गया था गवर्नमेंट ने शुरू में? जी आपका एक ही तर्क है कि आप ने सिस्टम में थे, अब उस सिस्टम से निकाला जा रहा, उनकी गलती है। बिल्कुल सर। ओके जी जी ठीक। और क्या है, मतलब किस चीज़ का जीता जाता उदाहरण है ये? इनके यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हाँ आप बताने दीजिए इनको, क्या दिक्कत है? मेरा नाम आनंद सिंह चौहान है, मैं शासकीय महाविद्यालय बाग में क्रीड़ा अधिकारी के पद पर था। हमारा लोगों का नियम रहता है कि अगर कंटिन्यू 15 दिन अगर हम कॉलेज नहीं जाते हैं तो हमें प्रिंसिपल को इतना अधिकार होता है कि हमें फॉलन आउट कर ले, हमारा आमंत्रण निरस्त कर दे। परंतु कल मैं 31 तारीख को गया था कॉलेज 10:30 बजे, मैंने 10:30 बजे साइन की और उसके बाद मुझे आना था वहाँ से 400 किलोमीटर भोपाल वापस, तो 1 बजे मैं कॉलेज से वापस निकला और मैं यहाँ आ गया। उसके बाद आज प्रिंसिपल ने एक फॉलन आउट का निर्देश निकाल दिया कि आनंद सिंह चौहान को आका आमंत्रण निरस्त किया जाता है, इसलिए ताकि वो 1 बजे कॉलेज से चले गए। और उन्हें मैं एप्लीकेशन देकर आया हूँ कि मैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहा हूँ, मुझे मेरे साथियों का सपोर्ट करना है। अगर मैं अकेला वहाँ जॉब करूँगा तो मेरे साथियाँ मेहनत करें तो उससे क्या की तरह आप भी फॉलन आउट हो? तो मुझे प्रिंसिपल के द्वारा कर दिया गया है, मैं नहीं हुआ हूँ, ये प्रिंसिपल के द्वारा किया गया है। इसलिए किया गया क्योंकि मैं आंदोलन में साइन करके आया हूँ, और एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि किसी को फॉलन आउट नहीं करा जाएगा और उधर इन प्रचार को इतनी ताकत देती है गवर्नमेंट की, हमारा नहीं, हमको निरस्त कर दें, हमें पद से हटा दिया है। और एक लाइन लिखी गई है इसमें कि जल्द से जल्द पीएससी से चयनित क्रीड़ा अधिकारों की अधिकारी की नियुक्ति की जाए यहाँ पर। इस हाँ ये मांग की पीएससी जिसमें बहुत सारे घोटाले, हाँ उसी की मांग कर रहे हैं हमारे प्रचार महोदय जी। वो योग्य हैं और आप लोग अयोग्य हैं। हाँ वो योग्य बता रहे हैं, हमको योग्य ताज़ा जानकारी दे दूं। अभी उमरिया में एक कोई सोनी मैडम है, वो ज्वाइन करने आई। जब वो ज्वाइन करने आई तो उन्होंने जो ज्वाइनिंग के समय अपने कागजात दिए तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र था वो हाथ का लिखा हुआ था। तो प्राचार्य जो वहाँ पे थे मॉडल कॉलेज के, उन्होंने कहा कि डिजिटल वाला कास्ट सर्टिफिकेट हमको चाहिए, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट लेके आइए। जब वो डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट लेके आती हैं तो वो उनकी कास्ट सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ का ओबीसी एमपी में ओबीसी कैसे? लोकनीति ने बाकायदा किया है, वो एक दो केस नहीं, बहुत सारे केस हैं, है ना? आप बताइए, अंतिम रिमार्क मैं आपसे ले लूं, क्या प्लान है और क्या ब्लूप्रिंट है, कब तक पड़े रहेंगे ऐसे? देखिए ये हमारा करो और मरो का आंदोलन है, हमारे साथी 2700 साथी ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। और जैसा एक उदाहरण आपने आनंद सिंह चौहान का देखा कि सरकार अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनाकर इस हड़ताल को तोड़ना चाहती है। हमारा उद्देश्य
हमारा उद्देश्य इस अतिदीवान व्यवस्था को ख़त्म कराना। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप इस अतिदीवान व्यवस्था को दोबारा चॉइस फिलिंग के द्वारा दोबारा लागू कर दो। इस व्यवस्था में वर्तमान में जो भी अतिदीवान कार्य कर रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स ऑफिसर हों चाहे वो ग्रंथपाल हों, उनका नियमितीकरण होना चाहिए। और उससे पहले अंतिम राहत के तौर पर हमें एक आदेश ऐसा चाहिए कि हम लोग अपने अपने कॉलेजों में वापस जाएँ, और उसके बाद जो संबंधित AD हैं वो हमें जो भी जहाँ भी जगह वहाँ पर भेज सकते हैं। लेकिन जब तक हमारी नौकरी सुरक्षित नहीं होती, जब तक हमारी नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती, तब तक ये आंदोलन बंद होने वाला नहीं है। हम मांग कर रहे हैं अपने लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी की, जिन्होंने कि इंदौर में संवाद कार्यक्रम में कहा था कि ये अतिदीवान व्यवस्था का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कि जो हमारे नेता हैं, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, उनके वचन का क्या हुआ? चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले जो उन्होंने अतिदीवान व्यवस्था के, राहुल गांधी को ट्वीट नहीं कर रहे हैं, काफ़ी ट्वीट किए हैं, बराबर ट्वीट किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जो हालत है, ट्रेंड नहीं करा पा रहे होंगे ना, ट्रेंड कराने का कल्चर है आपका। जो प्रदेश की जो हालत है, उस प्रदेश की हालत से हमें ये लगता है कि जो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं अनभिज्ञ है। हमारा उद्देश्य है कि राहुल गांधी जी जो अपने वचनों को, जो उन्होंने कहा था इंदौर में संवाद कार्यक्रम में, उसका पालन हो। जब तक पालन नहीं होता तब तक ये हमारा यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। एक बात बिल्कुल साफ है, वो बहुत अस्पष्ट भी है कि ब्यूरोक्रेसी सिस्टम पर पूरी तरह से हावी है। नेताओं को सिस्टम का ABCD नहीं पता है। ब्यूरोक्रेसी जो उनको बता रही है, जैसा बता रही है, वो वैसे कंफ्यूज हो रहे हैं और वैसे ही काम कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप पोस्टर देख लीजिए, वचन पत्र गीता और कुरान है तो क्यों परेशान अति विद्वान है। ये जो सिग्नेचर्स हैं और जो ये लिखा गया है, ये सब इन लोगों ने अपने खून से लिखा है। इनका जो इनकलाबी खून है वो इस पोस्टर पे है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए, और हाँ ये सब तो खैर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे, एक बार इसको हम प्लेट कार्ड भी दिखा चुके थे। यहाँ पर जो और भी सारे पोस्ट कार्ड्स जो हैं उनका इस्तेमाल इस तरह से किया गया है, खून से लिखे हुए ये पोस्ट कार्ड हैं। आप दिखा दीजिए जरा आशु, ये सारे के सारे खून से लिखे हैं। लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए सब ड्रामा होगा, है ना, उनके लिए ये सब ड्रामा होगा, सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप लोकनीति के साथ बने रहें। अतीत विद्वान का ये सीरीज का आप 5वां रिपोर्ट देख रहे थे। जैसे कुछ डेवलपमेंट होता है आपको बताया जाएगा। इसी क्रम में MPPSC के जो घोटाले हैं, RTI के जो पेपर्स हैं हमारे पास, और भी जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके आधार पर हम आपको खुलासा भी कर रहे हैं। और उसी आधार पर कल आप देखेंगे 6वें पार्ट में कि और क्या क्या निमित्ताएँ हैं जो MPPSC में तमाम तरह के असिस्टेंट प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ के सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से अनियमितताएँ इन्वॉल्व हैं और किस तरह की अनियमितताएँ हैं, और उनके मेरिट में इनके मेरिट में कितना फ़र्क है, दोनों को कंपेयर करने पर कौन योग्य है कौन अयोग्य है आप डिसाइड करिए। धन्यवाद। सभा में मांग मेरी तू जरा तू भूल कर लो, सभा में मांग मेरी तू जरा तू भूल कर लो, सभा में मांग मेरी तू जरा तू भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है करण के लिए, मेरा दिल बेचैन है करण के लिए, सभा में मांग मेरी जरा तू भूल कर लो। Thank you.
Thank you.